प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि फिजिक्स को लेकर के लोगों के मन में बहुत डर रहता है। मैंने अक्सर बच्चों के मन में फिजिक्स को लेकर के काफ़ी डर देखा है कि कई लोगों के दिमाग में होता है। फिजिक्स इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में फिजिक्स को लेकर के काफ़ी बेचैनी रहती है, काफ़ी टेंशन रहता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमारे फिजिक्स में क्या है, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। कई लोग इसे बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये आपके मन का पूरी तरह से एक वहम है। फिजिक्स काफ़ी शानदार, काफ़ी समझने वाला और काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है। आज बिना फिजिक्स के हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आज हम लोग जो भी रहते हैं, आप हर किसी के पास मोबाइल होगा, हर किसी के पास इंटरनेट है, यहाँ तक कि अभी चंद्रयान पहुँचा, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिक्स की वजह से हो रही हैं। हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स का बहुत सारा यूज़ है। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों को आपको बताने के लिए इस क्लास में उपस्थित हुआ। तो आइए हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिजिक्स को हम लोग मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं ताकि वो हमें बोझ न लगे, हमें कठिन न लगे। और ख़ास करके ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है जिनको फिजिक्स कठिन लगता है, जिनको फिजिक्स समझ नहीं आती, जिनको लगता है कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आज ये फिजिक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग क्लास 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है, हालांकि इसे कोई पढ़ाता नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड है, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, क्यों कोई नहीं पढ़ाता, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इसी से हम लोग डिस्कशन शुरू करें क्योंकि इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी एग्ज़ाम में पूछ दी जाती हैं और कभी सामने आ जाए, तो अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है फिजिक्स है क्या। तो हम सब जानते हैं कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारी जो डेली लाइफ है, हमारा जो सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है, हर जगह हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। आप एक पल ऐसा नहीं सोच सकते जिसमें आप फिजिक्स के बिना अपना लाइफ एज्यूम करें, है ना। तो हम सब पूरी तरह से फिजिक्स से घिरे हुए हैं। तो फिजिक्स है क्या? किसी भी चीज़ का जो फिजिकल स्टडी है वो फिजिक्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है ना। तो ये मार्कर का शेप क्या है, इसका मास कितना है, इसका वेट कितना है ना, ये सारी चीज़ें हमें फिजिक्स बताता है। फिजिक्स काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। फिजिक्स बहुत छोटा भी है, फिजिक्स बहुत बड़ा भी है। फिजिक्स को हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। फिजिक्स की कहानी एटम मॉलिक्यूल से शुरू होती है, वहाँ भी फिजिक्स है, भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है। और फिजिक्स हमारे यूनिवर्स में भी है, प्लैनेट्स के बीच में फोर्स लग रहा है। तो फिजिक्स बहुत ब्रॉड है। तो फिजिक्स में सबसे पहले शुरुआत होती है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स के दो प्रिंसिपल हैं, एक होता है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ये क्या होता है फिजिक्स में। यूनिफिकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना गया है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि फिजिक्स तो हर जगह, हमने अभी आपको बताया कि आप गाड़ी से चल रहे हैं वो फिजिक्स है, आप चश्मा लगा के देख रहे हो वो फिजिक्स है, आप बिना चश्मे के आंखों से देख रहे हो वो भी फिजिक्स है, आप कान से सुन रहे हो वो भी फिजिक्स है, आप पानी पी रहे हो उसमें भी फिजिक्स है। फिजिक्स, ईच एंड एवरी थिंग इज कनेक्टेड विथ फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के प्रोसेसर को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने सुना कि भाई किसी फल को गिराया गया तो वो नीचे गया, किसी चीज़ को, बॉल को हम ऊपर फेंके, या किसी प्लेनेट पे हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं। तो फिजिक्स बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो फिजिक्स में हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं कॉपी पे, वहाँ भी फिजिक्स है। हमने कील को दीवार में ठोका, वहां भी फिजिक्स है। आप पंखा चलाते हो, कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, लाइट, हीट, ये सब जगह फिजिक्स है। मतलब बिना फिजिक्स के अर्थ है ही नहीं। तो छोटी छोटे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको मिला करके एक बड़ा प्रिंसिपल बनाने का जो प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हो, तो आपसे पूछा गया कि आज आप स्कूल गए थे, तो आपने कहा हाँ मैं स्कूल गया था। तो अगर आप स्कूल गए थे तो इसका मतलब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए।
तो सारे सब्जेक्ट की जो प्रोसीजर होती है ना, उसी को हम कहते हैं यूनिफिकेशन, यानी छोटे छोटे नियमों को मिला करके एक बड़ा नियम बना देना, एक सेक्टर बना देने को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। जैसे आपको हिंदी पढ़ना था, इंग्लिश पढ़ना था, सोशल पढ़ना था, मोरल पढ़ना था, जीके पढ़ना था, तो सारे सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, एक जगह बना दिया गया जिसे हम स्कूल कहते हैं, जिसे हम कोचिंग कहते हैं। तो उस स्कूल या कोचिंग में हम जाते हैं और हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वैसे यूनिफिकेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे लॉज को मिला करके, स्मॉल लॉज को मिला करके एक साथ एक लार्ज कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, एक लार्ज कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, ताकि हमें उसका क्लेरिफिकेशन रहे। जैसे हमने ग्रेविटी पढ़ा तो ग्रेविटी के अंदर बहुत सारी चीज है, हमने हीट पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज है, ऑप्टिक्स पढ़ा, अभी मैं एक एक करके सब पे बात करूंगा। तो ये होता है लार्ज कॉन्सेप्ट, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के बना दिया लार्ज कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, ठीक यूनिफिकेशन का अपोजिट। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में लार्ज कॉन्सेप्ट को तोड़कर स्मॉल कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, मतलब ठीक उसका उल्टा है, वाइस वर्सा, है ना। तो यूनिफिकेशन में यानी जहां हमें जरूरत पड़ती है कि छोटे छोटे लॉस को अलग अलग पढ़ना मुश्किल है तो एक साथ उसको पढ़ा दिया, और कहीं ऐसा लगता है कि बड़े कॉन्सेप्ट में पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया। तो ये होता है रिडक्शन और ये होता है यूनिफिकेशन, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का सिद्धांत, फिजिक्स कैसे काम करता है। तो फिजिक्स ये दो तरीके से काम करता है, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आप स्कूल गए, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन जैसे मान लो कि आपका एक खास सब्जेक्ट वीक है, फॉर एन एग्जाम्पल फिजिक्स वीक है, तो आप फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस कहीं जाके ले रहे हो, है ना। तो वो हो गया रिडक्शन, उसके लिए आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, एक स्कूल में पढ़ते हुए आप किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे, है ना। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सामान्य तरीके से पढ़िए आराम से समझ करके, और हम लोग पूरा अच्छे से समझा करके आपको बताएंगे कि अच्छे से क्लियर हो जाए एकदम। तो दो चीजें हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। यूनिफिकेशन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लॉस को मिला करके एक बड़ा लॉ बना देना, और रिडक्शन का मतलब एक बड़े कॉन्सेप्ट को तोड़ करके छोटे छोटे लॉस बना देना। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने बात किया कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या है, तो दो प्रिंसिपल थे। अब बात आती है कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है, फिजिक्स का क्या स्कोप है, मतलब फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, आगे हमें क्या फायदा होगा, और एक्साइटमेंट का मतलब आगे इसके लिए हम क्या क्या, मतलब हमें इसमें क्या मिलेगा। देखो फिजिक्स के दो स्कोप है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जो ज़्यादा यूज में होता है, जो ज़्यादा हमारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, और एक होता है माइक्रो। देखो मैक्रो फिजिक्स जो होती है वो होती है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस पे हम लोग एक एक करके पूरे पे डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हालांकि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आपको 11 में पढ़ना है, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपको 12 में पढ़ना है, तो एक एक करके दोनों पे डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिक्स में आता क्या क्या है। पहले हमें क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है ना। और माइक्रो में आता है एटम्स, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर। ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब किसी पार्टिकल के अंदर की चीज़ें हैं ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर, तो इसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी। तो कभी अगर पूछा जाए कि भाई क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो क्वांटम फिजिक्स मतलब जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियर की बात हो, और मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रो डायनेमिक्स है। तो ये सारी चीज़ अब एक एक करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखो बेसिकली जो मैकेनिक्स होता है, तो मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये समझते हैं। देखो मैकेनिक्स में हमें मोशन पढ़ना होता है, तो जो तुम मोशन पढ़ते हो वो मैकेनिक्स है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो वो मैकेनिक्स है, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके सारा पढ़ेंगे, वेव पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, है ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, रोटेशनली मोशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये सब मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। तो इन सबको जैसे ये देखो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला दिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला दिए ना, इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब मैकेनिक्स, हमने खाली कह दिया कि भाई मैकेनिक्स पढ़ना है,
आप समझ गए कि अच्छा मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है ना। तो इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे आपने कहा स्कूल जा रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, थोड़ी ना बोलते हो कि हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब ये सारी चीज़ें, इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है ना वो यही कहता है कि ज़रूरत के हिसाब से किसी चीज़ को हम अपने हिसाब से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, ताकि हम इजिली उसको समझ सकें। फिजिक्स हमें बताता है कि कोई भी चीज़ हो कैसे रही है। देखो डेली लाइफ में फिजिक्स का बहुत यूज़ है भाई। जब ये अर्थ बनी तो किसी को नहीं पता था कि बारिश कैसे होता है, फिजिक्स ने बताया हर चीज़। आप खाना कैसे पकाते हैं, फिजिक्स बताता है। आपको कोई चीज़ ठंडी क्यों लग रही है, गर्म क्यों लग रहा है। आप एक कप चाय रखते हो रूम में, वो ठंडा हो जाता है। आप कोल्ड ड्रिंक रखते हो रूम में, वो गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हर क्यों का जवाब फिजिक्स के पास है। किसी भी चीज़ में जब हम क्यों लगाते हैं, हाउ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो इसका आंसर जो देता है वही फिजिक्स है। फिजिक्स हमें हर चीज़ के बारे में बताता है। बिना फिजिक्स के किसी सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बड़ा है या कोई छोटा है, सब एक दूसरे के कंटिन्यूस एक्सपेंड होते हैं। मतलब कोई किसी के बिना मेंटेन नहीं हो सकता। फिजिक्स फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आपस में कनेक्टेड है। तो मैकेनिक्स अपने आप में यूनिफिकेशन होता है और ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स देखो यूनिफिकेशन हो गया कई सारे टॉपिक्स का। अब इसी को हम कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब उसी में किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक को आप पढ़िए, जैसे इंजन, आप केवल इंजन पढ़िए, इसको कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ देना। ठीक है। तो यूनिफिकेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने का कॉन्सेप्ट है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट लॉज, इंजन और प्रोसेस, इंजन कैसे काम करता है, हीट कैसे चलती है, आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम प्रकार के लेंस, तमाम प्रकार के मिरर, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, किस किस तरह का इमेज होता है, तो ये सारी चीज़ें। इसी तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो चार्ज, करेंट, डिवाइसेस, मैग्नेट, और जब मैग्नेट करेंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये सारी चीज़ें। अब ये अपने आप में एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर हो जाता है। और मैं आपको चैप्टर नहीं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर, बीच बीच में बहुत से चैप्टर हैं इसके अंदर, बस इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। ये केवल एक एग्जाम्पल है कि यूनिफिकेशन होता कैसे है। ठीक है। तो यूनिफिकेशन ये समझाने की कोशिश की मैंने कि छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के एक बड़ा टॉपिक बनता है, उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश किया है कि फिजिक्स को बहुत आसान करके बताने की कोशिश की जाए, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता फिजिक्स, जो फिजिक्स से भागते हैं, उनको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट आए और वो हम लोगों के साथ मिल करके फिजिक्स को पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है।